हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो गए। तो पूजा ने चाय बना दिया, सुबह के 7 बज चुके हैं और पापा जी को पहले खाली पेट की दवाई देनी है। कैप्सूल है खाली पेट का, तो वो देना उनको। और पापा जी अभी लेट रहे थे और मैं उनको खाली पेट का कैप्सूल दे रहा हूँ। चप्पल चप्पल भी बहुत बढ़िया पहन रही है तो सितारों वाली। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो गए। तो देखिए बादल भरा मौसम है और चाची जी ने आते सारा बर्तन मांजना शुरू कर दिया है। तो आज पूजा है और चाची जी और पापा जी और आदि और राजेंद्र बाबा जी जा रहे हैं सोने दीदी घर उनसे मिलने के लिए। उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस कारण जा रहे हैं मिलने के लिए उनसे। पूजा भी है और चाची जी और नीचे पापा जी हैं। राजेंद्र बाबू जी गेट से आ रहे हैं, वे भी जाएंगे और गाड़ी थोड़ी देर में आ जाएगी। और पापा जी अपना सफारी पैर कर रेडी हो चुके हैं और पूजा भी रेडी है, चाची जी रेडी है, राजेंद्र बाबा जी कुछ ही देर में आ जाएंगे। तो पापा जी चल दिया बाहर को, यानी कि ड्राइवर आ चुका है बाहर, फोन आया था उनका तो गाड़ी लेकर। और पूजा और चाची जी भी रेडी हैं चलने के नाम पे। राजेंद्र बाबा जी की इंतजार है बस, वे भी आ जाएंगे। और एक सदस्य और बढ़ चुका है, नीलाक्षी बुआ जी। नीलाक्षी बुआ जी जा रही है। चलो खैर दोस्तों, तो देखिए पापा जी और पूजा आज गए हैं सोने दीदी घर। और पूजा ने 7 बजे खाना बना दिया था और जब तक मैं सोकर उठा तो पूजा ने खाना बना दिया था, इतने से मेरा पूजा उठ गई थी और 8 बजे तक वे तैयार हो चुके थे। तो आज घर पर रहना है, आराम करना है और अपना काम करना है, वीडियो एडिट करनी है। और वीडियो कम बनेगी आज घर की, क्योंकि पूजा नहीं है तो किसके साथ वीडियो बनाऊँ। जी वो है आराम कर रही है, नीचे लेटी हुई है, तो उनके साथ थोड़ी वीडियो बनाता हूँ। और गंज या चेरी लिया था, उसने चेरी काट ली थी और हल्की हल्की बूंदें आने लगी है, लगता है कि बरसात होने वाली है आज। देखिए दोस्तों, सावन की पहली बरसात शुरू हो चुकी है, सावन का पहला दिन है आज, तो सावन की पहली झड़ी लग चुकी है। और समय हुए है 4 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं इधर, और इधर बरसात शुरू हो चुकी है। दादी वहाँ बैठी है, छोटे वाली दादी वो तो जा चुकी है और बड़ी वाली दादी वो हमारे पास है। अब देखिए और गंगा ने भी चारा खाकर आराम कर रही है और इधर गंगो भी। तो सावन की पहली बरसात है ये और पहला दिन है आज, तो भोले बाबा ने कृपा कर दिया। देखिए सावन की जड़ी लग चुकी है, तो मैं इसमें भी नहाऊंगा आज। तो आज सावन की जड़ी में, सावन की पहली बरसात में नहाता हूँ। सावन की पहली पूजा तो आज नहाता हूँ। आज कोई कैमरे पकड़ने वाले नहीं है, और कैमरा मैंने सेल्फी स्टिक से पकड़ रखा है, और कैमरा ठीक है। और मैं बरसात में खड़ा हूँ, तो बगल हो रहा है, दादी बुआ जो है नीचे बैठी है आराम कर रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि बरसात में नहाने गए बगल की बरसात में।
बरसात पड़कर बंद हो चुकी है, बारिश पड़कर बंद हो चुकी है। मैं ना चुका हूँ बरसात में और फिर सिंपल पानी में आया हूँ और समय हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो अब मैं चाय बनाता हूँ दादी बुआ के लिए और अपने लिए और गगन है, तो हम 3 जने हैं, चाय बनाकर पीते हैं क्योंकि आज तो मुझे यहाँ पर है नहीं, तो आज चाय मैं ही बनाता हूँ। अभी तक तो वे चले भी नहीं, थोड़ी बहुत देर में चल पड़ेंगे। तो लाइट और इंडक्शन पे ही चाय बनाऊंगा, शुरू कर दिया मैंने। तो इंडक्शन पे पानी रख दिया, पानी और दूध। तो मैं दादी वो कोई पी नहीं है, बस चाय, गर्म चाय नहीं पीता। चाय रख दी है और मीठा पत्ती डालना बस इसे, थोड़ा खद लगने के बाद चीनी हो चुकी है, चाय की पत्ती, पानी कम है दूध ज़्यादा है, चीनी डालना थोड़ी। और अंदर तो बहुत ज़्यादा घोट बन चुका है गर्मी की वजह से, और देखिए इधर कितने अच्छे बादल हो चुके हैं, शाम का मौसम है। और गगन बाहर बैठा है, दादी वो नीचे है। और चाय बनाने से पहले मैं दुकान पर गया था, तो दुकान से भी कुछ लाया हूँ, दुकान से 10 रुपये की नमकीन लाया हूँ। नमकीन और चाय, बरसात हो रही है, यानी कि बरसात होकर बंद हो चुकी है। और चाय बन चुकी है, चाय बनाकर नीचे ले आऊँ मैं, दादी बुआ को देता हूँ और अपने आप पीता हूँ। तो आज बस 2 जने हैं पीने वाले, गगन चाय नहीं पीता और नमकीन है, दादी बुआ बैठी है। और बच भी गई, ज्यादा चाय बन गई एक्स्ट्रा। और खिचड़ी बनाने के लिए मैंने आलू काट दिया, टमाटर काट दिया, हरी मिर्च, तो प्याज नहीं खाने आए हमें सावन के महीने में। तो 2 गिलास चावल बनाने आज मुझे, चावल ले लिए हैं, इन्हें भेजने की तैयारी है बस, और 10-15 मिनट इन्हें भेज रख दूंगा, उसके बाद खिचड़ी छोंक दूंगा। और देखिए सारा सामान हमारा रेडी हो चुका है बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, देखिए शाम का समय हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, दादी बहुत उधर बैठी है, तो एक छोटा बच्चा जो पड़ोस आया हुआ है, और मैं बनाने जा रहा हूँ खिचड़ी, सारी खिचड़ी यही बनानी है आज, मैं बनाऊंगा क्योंकि पूजा का पता नहीं किस टाइम तक आएंगे, 6:30 बज चुके हैं और वे चले थे 5:30 बजे से, तो 1 घंटा और लग जाएगा बनाने में, 7:30-8 बज जाएंगे बनाने में, तो इसलिए मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। और पूजा का पापा जी का 2.5-3 घंटे का सफ़र है, तो वे आते ही होंगे, मैंने सोचा कि इतने में खिचड़ी बना देता हूँ, सब आके आराम से खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। अन्य पूजा आएगी 8 बजे और फिर वे खिचड़ी बनाएगी, तो टाइम लग जाएगा, 9 बज जाएंगे, और इसीलिए मैंने खिचड़ी बनाने की तैयारी कर दी है, तो मैं खिचड़ी बनाता हूँ आज। तो मेरा सारा सामान रेडी हो चुका है, रसोई में रखा है, तो मैं खिचड़ी बनाता हूँ भैया। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो जीरा डाल दिया मैंने, और प्याज और लहसुन नहीं डालने के, सावन का महीना चल गया है, तो सावन के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाते, और ना ही मम्मी खाती थी, तो हम भी नहीं खाएंगे, और इसलिए ही टमाटर में चौक रहे हैं आज खिचड़ी।
बनने के बाद देखते हैं कितनी टेस्टी बनती है, कितनी अच्छी बनती है। शाम का सुहाना मौसम, अच्छा नज़ारा होता है शाम का तो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बारिश पड़ने के बाद भी थोड़ी गर्मी है क्योंकि हवा नहीं आया ज़्यादा तेज, हल्की हवा है। दादी बुआ बैठी है और पंखा चला रखा है। और खिचड़ी हमारी बन चुकी है, 3 सीटी लग चुकी है, 2-3 सीटी। ये थोड़ा पानी लिखटा है इसका, और खिचड़ी हमारी बन चुकी है। जय माता दी। तो सावन का पहला दिन और अच्छा दिन आज का, अकेले थे फिर भी भोलेनाथ की कृपा से अच्छा दिन आज का, बरसात भी हुई। तो खिचड़ी बन चुके है, थोड़ी हल्दी कमी रह गई बस। और सबसे पहले खिचड़ी गाय की करते हैं, तो गाय की खिचड़ी निकाल दिया मैंने। और पूजा आ चुका है सोने जी के घर से, सोने का तो पूजा आ चुकी है। देखिए पापा जी कहाँ, पापा जी नीचे आए हैं, लौट गए। खा लो और खिचड़ी खा रहे हैं मेरे बुआ। और पापा जी छत पे आ चुके हैं, दादी बुआ पूछ रही है कि बेटी कैसी है, बोले हैं कि अच्छी है, अभी आराम है उसको। और इनको आने में 8:30 बज चुके थे, मेरे दादी बुआ भी खिचड़ी खाने लगे थे इनकी बाँट देख कर। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद जी।